जय जोहार, नमस्कार। मैं सुदामा वर्मा, वो आप मन देखा तो छत्तीसगढ़ टीवी संगवारी हो। आज हम दुर्ग जिला के धमधा ब्लॉक से संबंधित ग्राम अकोली के एक सफल किसान भाई जोहन वर्मा के खेत में आए हैं, जिन है टमाटर के साथ में तिवरा के सह फसल साथ में लेवा थे। तो अब जोहन भाई से मुलाकात करथन और जानथन कि टमाटर के साथ में तिवरा के खेती करे के बारे में वो कैसे ढंग से सोचिस और कौन ढंग से वह तिवरा के सफल खेती करा थे, एकर बारे में जानकारी लेथन जोहन वर्मा जी से। तो जयराम भैया। जयराम। तो जोहन भैया, आप हमला ये बताओ कि आप टमाटर के खेती में तिवरा सह फसली लेबर कैसे ढंग से आप सोचे हो, कैसे ढंग से मतलब आपके दिमाग में ही से कि टमाटर के खेती में तिवरा के फसल ले जा सकते, और मैं देखा था आप तिवरा के साथ साथ किनारा किनारा में आप पूरा फूल गोभी भी लगा हो, मतलब एक साथ तीन फसल की खेती है ना। तो एक साथ तीन फसल की खेती करे के बारे में आप कैसे ढंग से सोचे, कैसे ढंग से विचार इसे, एक बारे में हमारे किसान भाई मतलब थोड़ा बताओ। इमा मैं इसे सोचे हाँ कि टमाटर के फसल तो लगाए छन और वह कुछ दिन बाद खत्म हो जाते, तो इमें तिवरा भी हो सका थे, गोभी भी हो सका थे। ये दिमाग सोचे में है कि गोभी हा पहली कर जही तिवरा से। अच्छा। तिवरा से पहली गोभी कर जही तो गोभी भी सक्सेस हो जही, ओकर पीछे तिवरा तिवरा हो जही। हाँ। तो टमाटर के साथ साथ में है तीनों फसल एक साल में लेके प्रयास अपन दिमाग से सोच के करे। हाँ। वो में बहुत हद तक कि आप सफल हो। तो एमे जैसे तिवरा आप लगाए हो तो तिवरा के जिन बुआई है वो गोभी, तो एला एके संग्रह करे हो कि कुछ है आगे पीछे करे हो? गोभी के नर्सरी डाले के बाद में हाँ तिवरा छिड़काव कर दे। अच्छा। ओकर बाद तिवरा के नर्सरी भी हो गए, वो छोटे छोटे जामे रही से साथे साथ हो जामी सोकर बात गोभी तो, नर्सरी गोभी नर्सरी तैयार हो गए और लखोड़ी भी अंकुरित हो गए, तो ऐसे नुकसान भी नहीं हो है मतलब लगाए के समय। अच्छा। और गोभी भी लग गए साथे साथ और येहू लखोड़ी भी तैयार हो गए। अच्छा। हाँ। तो आपके लखोड़ी में तो अब भरपूर फूल अभी मात गए कहना चाहिए लगे है ना। तो कतेक दिन की फसल होती इसे आपके जिन लखोड़ी है तेन गोभी? अब ये गोभी है ढाई महीना आखिरी। अच्छा। ढाई महीना तक के खत्म हो जाएगी। हाँ। उखर बाद अब ये तो पुखार नहीं है, ये गोभी उखड़ जाएगी। गोभी उखड़ लगाए कतेक दिन हो इसे आपने? इला लगभग लगभग एक महीना हो गए। अच्छा, एक महीना। हाँ, डेढ़ महीना के अंतर्गत है उखड़ जाएगी गोभी है। गोभी है। ओकर बाद फिर ओकर बाद फसल आपके आ जाएगी? जैसे गोभी है उखड़ी तो एक फल है थोड़ा टाइट हो चालू हो जाएगी। हाँ। अभी फूल लगे है ना, गोभी के फूल भी जस्ट खना जाएगी जी है ना। ओकर बाद जो तिवरा के फर टाइट हो जाही तो लेट हो वह पके बार। हाँ। तो जब तक ना गोभी हमारे उखड़ के तैयार हो जाही तो एला नुकसान नहीं करे। अच्छा। तो जोहन भैया एक चीज और बताओ, आपके खेत में मोला बन खरपतवार है ना, बन पत्तो नजर नहीं आवा थे, तो तिवरा फसल में ये तो निश्चित है पानी चला हो मतलब कई प्रकार के बन जाते जागीस हुई, तो तिवरा फसल एकदम सुंदर दिखा थे पूरा, गोभी भी बहुत बढ़िया दिखा थे, तो एमे बन पत्तो के निराकरण कैसे ढंग से करे हो? एमा मोला टमाटर ला भी बचाना रही से और गोभी भी बचाना है, तो गोभी में तो नहीं चले वो दवाई है। हाँ। जेना में लखोड़ी के और टमाटर के विशेषता बचाए खातिर डाले बचाना बचाए बार, तो जैसे नर्सरी गोभी के रही से तो गोभी के लगाए पहली जैसे साथे साथ तो जाम गए रही से। हाँ। गोभी लगाए पहली में है तिवरा जामे के बाद पैरा का बैरियर और टर्गा सुपर। अच्छा। एक चनी चला दिया हूँ। अच्छा। उखर बाद गोभी की रोपाई करे, गोभी की रोपाई मतलब गोभी। हाँ। लगाए से पहली आप एक बन बद्दो की निराकरण कर दे, टर्गा सुपर। हाँ। और बैरियर है ना, टर्गा सुपर और बैरियर, ये दवाई ला आप है बननाशक के रूप में बननाशक खेत में अपन चला हो। हाँ। है ना। उखर बाद जब बन बद्दो खत्म होली से तेकर बाद में आप गोभी के गोभी रोपाई करे। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया है। तो मैं एक चीज अब जानना चाहूँ, अब तो आपकी गोभी में भी फूल आ गए है ज्यादा ज्यादा, एक आध महीना के अंदर में आपके पूरा गोभी भी आप ला कहना चाहिए एक डेढ़ महीना में पूरा खत्म हो जी, और बहुत अच्छा लगे हुए है, ये तो बहुत अच्छा कमाई दी साथ में आप ला। तो ये जन तिवरा है वे जन गोभी है ये वैसे आपके टोटल आप कतेक रकबा में ये दो तीन फसल एक साथ जन लेवा था और कतेक रकबा में करत हो और वे में एक खन फसल से आप लग कतेक ये मुनाफा हो सका था, एक बारे में थोड़ी जानकारी बताओ। अभी फिलहाल अभी गोभी तो कहा जाए तो अपन फूल के बढ़ोतरी के हिसाब से उखर
होही है ना, कोई फसल है छोटे हो जाते कोई बड़े हो जाते, तब हो एकड़ में कम से कम हम 30 क्विंटल गोभी निकालबो। अरे वाह क्या बात है, है ना, एकड़ में 30 क्विंटल गोभी निकालबो। अच्छा, अब ओकर साथ साथ कम से कम 15 क्विंटल तिवरा निकल जाए एक एकड़ में। टमाटर खेत में। अरे वाह क्या बात है, मतलब सह फसली के रूप में 30 क्विंटल गोभी और 15 क्विंटल तिवरा निकल सकते। अरे वाह क्या बात है, ये तो मन गदगद हो गए सुन के, है ना। तो वैसे आप मल्ला इकर रेट कतेक मिले की संभावना है? अब गोभी है सब्जी फसल है तो मार्केट में कभी 50 तक हो रही थे, वो कभी 5 तक हो रहा थे, है नी, तो रेट लग के ही नहीं जाए तिवरा के। लेकिन तिवरा के तो लगभग तिवरा के कम से कम 25 से 30 तक के 25-30 रुपए तक के किलो, किलो जा सकते। अच्छा, तो ये हिसाब से तो 3000 रुपए क्विंटल में 15 क्विंटल के 15 के 45,000 रुपए के तो आप सिर्फ और सिर्फ कहना चाहिए जी तिवरा के मतलब उत्पादन लेते हो जी, इतना जरूरी है ना। और 10 रुपए भी अगर कहीं गोभी जाते का, पर 10 से नीचे तो नहीं रहा है ना, 10 रुपए भी जाए तो 1000 रुपए एक क्विंटल के हो गए, तो 30 लगभग 30 क्विंटल के आसपास आप गोभी बता दो जी, है ना। तो 30,000 रुपया आप ला कहना चाहिए गोभी से भी मिल जाएगी। और आपके मोटा कमाई तो पहली टमाटर में हो चुके हैं, है ना, अब ये बार तो बहुत ज्यादा अच्छा कमाई हो है। तो कहे का मतलब ऐसे है कि आपके 30,000 गोभी से और 45,000 के आसपास लखोड़ी से, है ना, मतलब अतका कन एक एकड़ से 45 और 30 यानी कि 75,000 रुपये, लगभग 75,000 रुपया के अतिरिक्त आय टमाटर छोड़ के आप मल्ला हुआ थे, है ना, जेकर बार आप मल्ला कहना चाहिए खर्च के नाम में बहुत कम बजट लगे नहीं के बराबर, है ना जी। तो आप अतका सुंदर ढंग से खेती करे हो तो एकर ऐसा टाइप के आप कोनो मेरा देखे रहे हो कि आप पहली बार करे हो? मैं तो नहीं देखे हूँ, लेकिन आप पहली बार करे हो कि आप कोनो मेरा देखे रहे हो ऐसा खेती हो? इला में अपन दिमाग से सोचे पहली पिछला मतलब बहुत पहली में बरबट्टी लगाते रहे हूँ टमाटर के साथ साथ बरबट्टी, जैसे टमाटर अंतिम अविधि होगी तो बरबट्टी लगाते रहे। अच्छा, है ना, बरबट्टी लगा के साथ साथ मतलब जगह नहीं मिल पावा है। अच्छा। रेंगे बर भी जगह नहीं मिला है, तो सोचे मैं गोभी भी उत्पादन ले सकता हूँ, इसे दिमाग लगाया। अच्छा, तो ओकर से मतलब ऊपर नहीं आना चाहिए कि कोई फसल, तीनों फसल में यहाँ सक्सेस लेना चाहते रहे। अच्छा, ओकर कारण से मैं दिमाग लगाया कि गोभी भी लगाना है तो ओकर साथ का चीज हो सकती है। अच्छा, तो मैं अपन दिमाग से सोचे तिवरा हो सकते। अरे वाह क्या बात है, तिवरा टमाटर के पेड़ में चढ़ भी जाए तो इतना साइज आई मतलब 2 से 3 फीट तो ओकर फल भी ज्यादा है। बिल्कुल ये दिमाग से मैं अपन सोच के ला तिवरा खेती करे। तो चलो बहुत धन्यवाद जोहन भैया, आप अपन कीमती समय निकाल के हमारे किसान भाई मन पर अतका सुंदर जानकारी और अतका अच्छा प्रयोग कहना चाहिए, है ना, आप हमारे किसान भाई मतलब बताओ और आप एक विशेष नया चीज बताओ कि टमाटर के खेत में गोभी और तिवरा के कैसे ढंग से खेती करना है और बन ला कैसे ढंग से में समाप्त करना है, ओकर बार आप जिन अपन प्रयोग बताओ टर्गा सुपर और पेरियर, है ना, ये किसान मन पर बहुत नया जानकारी है। तो उम्मीद करत हूँ मैं आज के हमारी ये वीडियो से किसान भाई मन है जरूर लाभ ली और ऐसा टाइप से 2 फसल 3 फसल एक साथ लेके ज्यादा से ज्यादा वो मन है आमदनी कमाई, यही आशा विश्वास के साथ आज की वीडियो ली मैं समाप्त करत हूँ। जय हिंद जय भारत।